हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। हाजिर है आपके लिए एक और नया एपिसोड एंड दिस इज एपिसोड नंबर 205। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज का अपना फर्स्ट अपडेट है नितेश तिवारी की रामायण ट्रायोलॉजी को लेकर। तो अपडेट ये है कि 17 अप्रैल 2024 यानी कि रामनवमी के दिन मेकर्स इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, यानी कि फिल्म की कास्ट, क्रू और रिलीज प्लान्स को लेकर डिटेल्स रिवील करेंगे। तो इस फिल्म को लेकर जो भी छोटे मोटे रूमर्स है या फिर हाफ इन्फॉर्मेशन है वो उस दिन क्लियर हो जाएगी कि फिल्म के अंदर क्या है, क्या नहीं है, कौन है, कौन नहीं है। ये रामायण ट्रायोलॉजी इंडियन सिनेमा की बड़ी फ्रेंचाइज में से एक बनने वाली है। पिछले कुछ सालों से इसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, स्क्रिप्ट, मॉक शूट्स, कास्टिंग्स के ऊपर काम चल रहा है। तो अब वक्त आ गया है ये सब कुछ जनता के सामने रखने का। लेट्स सी 17 अप्रैल को क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं इस फिल्म को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है क्रू मूवी के सॉन्ग नैना को लेकर, जो कि आज रिलीज होने वाला था। पूरा दिन हम लोग इंतजार करते रहे, अब ये कह रहे हैं कि कल आने वाला है। नहीं नहीं, आप आज करो, कल करो, परसों करो, दो महीने बाद करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमको वीडियो में बार बार चेंज करने पड़ रहे यार। एनीवे, दिलजीत दोसांझ की आवाज है, बादशाह का रैप है। कृति सनन ने इस सॉन्ग के कुछ ग्लिम्स अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किए थे। कृति सनन सुपर हॉट लग रही है, ऐसी एयर होस्टेस। अगर कंट्रोल कंट्रोल, आप खुद देख लेना भाई सॉन्ग को, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, मतलब कल देख के बताना, आज तो टोपी पहना दिया हमको। नेक्स्ट अपडेट है गोधरा मूवी को लेकर। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि फिल्म का रिव्यू अभी तक क्यों नहीं आया। तो भाई फिल्म 1 मार्च को आने वाली थी लेकिन आई नहीं है ना भाई, क्योंकि इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। देखो यार, ये जो फिल्म है ना वो गोधरा कांड की जांच के लिए बनाई गई नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड है। तो सेंसर बोर्ड के ऑफिसर्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये फिल्म नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट पर कितनी सही है। फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है क्या वो नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है कि नहीं। तो ये सारे फैक्ट्स की डिटेल में जांच करने के बाद ही फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी सनफ्लावर सीजन 2 का रिव्यू मैंने रख दिया है। कागज 2 को देखने के लिए हम 2 बार जा चुके हैं लेकिन ऑडियंस ना होने की वजह से शोज हो ही नहीं रहे। मामला लीगल है, सीरीज में आधे से ज्यादा देख चुका हूँ। इसका रिव्यू आपको शॉर्ट्स में जस्टैग में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो अन्वेष शिप्पिन कांडे थूम स्टारिंग टोविनो थॉमस, ये फिल्म आ रही है 8 मार्च को नेटफ्लिक्स के ऊपर। मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा 5 लैंग्वेजेस में आएगी, तो लैंग्वेज का तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है दुकान फिल्म को लेकर। ये एक नई फिल्म आ रही है 5 अप्रैल को थिएटर्स में। इसका ट्रेलर मुझे बढ़िया लगा यार। फिल्म सरोगेसी और माँ बेटे के बॉन्ड के ऊपर है। वैसे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मिमी करके एक फिल्म आई थी कृति सैनन की, अगर आपको याद है तो। लेकिन इस फिल्म के अंदर कहानी एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। बेसिक मुद्दा सरोगेसी का ही है लेकिन सरोगेसी की डील करने के बाद माँ अपनी कोख में पल रहे बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करने लगती है, उसको लगाव हो जाता है उस बच्चे से। उसके बाद वो बच्चे को देने को तैयार नहीं होती है लेकिन इस डील के हिसाब से वो बच्चा किसी और का है। इसी बात को लेकर होता है क्लैश। ट्रेलर आप जरूर से देख लेना। नेक्स्ट अपडेट है सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग मूवी को लेकर। तो एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आने वाली है, उनकी टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है अल्फा बीटा गामा मूवी को लेकर। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत घूम के आई है ये मूवी। अभी 8 मार्च को इंडिया में रिलीज हो रही है थिएटर्स में। इसका ट्रेलर देख के कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई। शॉर्ट में बता देता हूँ, एक कपल जो कि हस्बैंड वाइफ है, शादी को 10 साल हो गए हैं, वो भी लव मैरिज था भाई। अब उन्हें अलग होना है। अलग हो भी जाते हैं वो लोग लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है। दोनों की लाइफ में नए पार्टनर्स भी आ चुके हैं। अब अपनी कहानी का जो हस्बैंड है वो अपनी पुरानी वाइफ को और उसके नए पार्टनर को मिलने के लिए जाता है उसके घर, जिस घर में पहले वो लोग रहते थे। अब जब ये वहां पर जाता है तभी हो जाता है लॉकडाउन। अब भाई के हालात कुछ ऐसे है कि उसके सामने उसकी बीवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ यू नो व्हाट आई मीन। अब भाई से देखा नहीं जा रहा है, सहन नहीं हो रहा है भाई। तो ये जो घर है एक रिएक्टर बन चुका है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों साथ में रहने वाले हैं। इसी के ऊपर बनी है ये पूरी फिल्म। नेक्स्ट अपडेट है कृणाल खेमू डायरेक्टेड मडगांव एक्सप्रेस मूवी की कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर। तो भाई वीडियो तो बढ़िया बनाई है इन लोगों ने। प्रतीक गांधी, दिव्येंदु और अविनाश तिवारी के फेमस किरदारों का यूज करके जनता को बताया गया है कि देखो देखो इन तीनों को हम साथ में लेके आने वाले हैं भाई। नाइस आइडिया। एनीवे, ट्रेलर आने वाला है कल यानी कि 5 मार्च को और फिल्म आने वाली है थिएटर्स में 22 मार्च को। नेक्स्ट अपडेट है तमन्ना भाटिया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर ओडेला 2 का शूट आज से शुरू हो चुका है। 2022 में आई ओडेला रेलवे स्टेशन की ये सीक्वल है। नेक्स्ट अपडेट है अपकमिंग टेक्नो थ्रिलर मूवी इरा को लेकर। इसका ट्रेलर आ चुका है जो कि मजेदार है। डीप फेक, एआई और जनता के डेटा का गलत इस्तेमाल कैसी दुनिया क्रिएट कर सकता है उसकी एक झलक आप इस ट्रेलर के अंदर देख सकते हो। एक हैकर जिसने तबाही मचा के रखी है, मर्डर्स पर मर्डर्स हो रहे हैं। ट्रेलर एडिट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। फिल्म आने वाली है 4 अप्रैल को थिएटर्स में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पठान 2 मूवी के पोस्टर्स आ चुके हैं लेकिन ऑफिशियल पोस्टर्स नहीं है रे, फैन मेड है लेकिन वायरल तो ऐसे हो रहे हैं जैसे
कि ऑफिशियल हो। तो बस आपको यही बताना था कि सोशल मीडिया के ऊपर शांति बनाए रखे, ये फैन मेड पोस्टर्स है। ये बात है कि जिसने भी बनाए है गुरु कड़क बनाए है। फायर फॉलो को भी एक टाइम पर लगेगा कि पोस्टर्स हो तो ऐसे हो भाई। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना यार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिनेमा वॉचिंग जय टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।